आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं गणित का एक है सारणिक डिटरमिनेंट। जरा सोचिएगा, आपने यहां पर इसके पहले आव्यूह पढ़ा है, आव्यूह आपको पढ़ाया गया है, मैट्रिक्स पढ़ाई गई है ना, इसके पहले वीडियो देख लीजिएगा, मैट्रिक्स के बारे में हमने बताया है। अगर हम कहें कि मैट्रिक्स क्या होती है तो आप कहेंगे भाई मैट्रिक्स में कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनको कि हम इस प्रकार से रो और कॉलम में सजा के रखते हैं, इस प्रकार से 1, 2, 3 और 4, 5, 6 ऐसे रख देते हैं, ये इसकी रोज होती हैं और ये इनके कॉलम्स थे, इसे दो रो है और तीन कॉलम है, इसका ऑर्डर क्या है तो आप कहेंगे इसका ऑर्डर है 2×3 का। लेकिन अगर हम कहें मैट्रिक्स होती क्या है, इसे क्या निकलता है, तो आप कहेंगे मुझे नहीं मालूम, कुछ एलिमेंट का अरेंजमेंट होता है, दो मैट्रिक्स को प्लस करते हैं तो एक मैट्रिक्स मिलती है, दो मैट्रिक्स को माइनस करते हैं तो एक मैट्रिक्स मिलती है, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक मैट्रिक्स मिलती है, मैट्रिक्स का परिवर्त करते हैं ट्रांसपोज तो ऐसी वाली मैट्रिक्स ऐसे बदल जाती है, रो कॉलम में बन जाता है, कॉलम रो में बदल जाता है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि मैट्रिक्स क्या चीज है तो आप नहीं बता सकते। तो देखिए डिटरमिनेंट क्या होती है, एक्चुअली मैट्रिक्स का एक मान होता है, एक वैल्यू होती है, वो वैल्यू जो मिलती है वो किससे मिलती है, वो सारणिक से मिलती है। ठीक है, जरा इसको और समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, टेक्निकल चीज नहीं है लेकिन समझना है कि समझा रहे कि कैसे होता है। जैसे मैं आपको दो इक्वेशन लिख दूं, a1x + b1y = c1 और a2x + b2y = c2, इन इक्वेशंस को सॉल्व करना हो तो 10th लेवल में आपने पढ़ा है कि देखिए ये x और y की डिग्री 1 है। ठीक है, तो अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, एक सीधी रेखा मिलेगी। स्ट्रेट लाइन तीन प्रकार की होती है, या तो स्ट्रेट लाइन कट कर रही होंगी एक दूसरे को, या तो स्ट्रेट लाइन समांतर होंगी, पैरेलल होंगी, और या तो एक दूसरे के ऊपर एक ये लाइन है और दूसरी इसी के ऊपर लाई कर रही है, एक दूसरे के ऊपर लाई करेगी। तीन प्रकार की रेखाएं हो सकती है, अगर ये प्रतिच्छेदित करेगी, इंटरसेक्ट करेगी तो एक x का मान होगा और एक y का मान होगा और हम कहेंगे इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ये यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, एक सोल्यूशन मिलेगा। यहां पर लाइन पैरेलल है, कहीं भी कट नहीं करेंगी तो आप कहेंगे नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, और यहां पर लाइन एक दूसरे के ऊपर बहुत पॉइंट पे लाई कर रही है तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, बहुत सारे सोल्यूशन मिलेंगे, अनंत सोल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते जाते हैं, हम a1/a2 निकालते थे, याद करिए आप 10th लेवल में, b1/b2 निकालते थे और c1/c2 निकालते थे। पहला केस कि अगर इफ a1/a2 और b1/b2 इक्वल ना हो तो ये दोनों लाइनें कट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पे और आपको यहां पर यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन यहां पर मिलेगा, यानी कि ये अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, अद्वितीय का मतलब होता है कि वन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वन वैल्यू ऑफ वाई। ठीक है, और ये वाला केस आपको मिलेगा। दूसरा वाला केस है कि अगर a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2 तो पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। ठीक है, और तीसरा केस है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तो ये एक दूसरे पे लाई करेंगी, ओवरलैप करेंगी, लाइन एक दूसरे पे ऐसे लाई करेंगी और अनंत सोल्यूशन मिलेगी, मैनी सोल्यूशन मिलेगी। तो यहां पर ये तीन केसेस आते हैं। ठीक है, अब इन तीन केसेस को हम डिस्कस करते हैं। आप पहले केस को समझिएगा, हमें इसका यूनिक सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो हमें ये हम कहेंगे कि a1/a2 ≠ b1/b2, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो a1 का b2 से हो जाएगा ≠ a2 b1, इसको इधर शिफ्ट करके ले आओ तो a1b2 - a2b1 ≠ 0, ये क्या है, ये वैल्यू कहां से आएगी, तो यही वैल्यू आपको कौन देगा, डिटरमिनेंट देगी। इसको लिखेंगे कैसे हम, a1 a2 b1 b2, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा a1b2 - a2b1, तो यही सारणिक है, यही डिटरमिनेंट है। तो डिटरमिनेंट का मतलब यह होता है कि मैट्रिक्स की एक वैल्यू
जो देता है वो डिटरमिनेंट होता है, ठीक है। एक खास बात ये, तो ये तो समझ में आ गया होगा डिटरमिनेंट क्या होता है। एक खास बात है डिटरमिनेंट में ऑर्डर कैसे लिखते हैं, उसकी कोटि कैसे लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट, ऑर्डर कोटि कहते हैं इसको हिंदी में। देखिए हिंदी मीडियम वालों से ये रिक्वेस्ट है कि जो मैथमेटिक्स और फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी है, जो टर्म्स हैं, उन्हें कृपया इंग्लिश में जरूर ध्यान रखें, क्योंकि जैसे आप इंटर क्लास करके आगे जाएंगे, आगे कोई हिंदी में नहीं बताएगा, तो सभी वर्ड इंग्लिश में बोलेंगे टीचर। तो देखिए इसकी कोट क्या होती है। पहली बात, डिटरमिनेंट की खासियत यह है कि वो स्क्वायर होती है, मतलब जितनी रो होंगी उतने ही कॉलम होंगे। जैसे यहां पर हम बात करें, यहां पर हम कहेंगे कितनी रो, ए मॉड नहीं है, ध्यान रखिएगा, आपने मापांक पढ़ा है, मॉड पढ़ा है, वो होता है, लेकिन फिलहाल यहां मैं मॉड की बात नहीं कर रहा हूं। इसमें एक रो और एक कॉलम है, इसका ऑर्डर क्या है, इसकी कोट क्या है, ऑर्डर लिख दीजिएगा, इसका ऑर्डर वन है। अगर हम ऐसे लिखते हैं ए बी सी डी, दो रो दो कॉलम, इसका ऑर्डर क्या होगा, दो। अगर हम लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर थ्री होगा। यहां थ्री क्रॉस थ्री लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको मालूम है कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स वो था इक्वल। तो ये होता है डिटरमिनेंट क्या होती है और ये उसका ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। वैसे तो डिटरमिनेंट के बारे में कुछ और चीजें आपको आगे सिखाई गई हैं, लेकिन आपको कुछ चीजें हम यही बताएंगे। देखिए सबसे पहले एक यहां पर आता है, इसको सारणिक कहते हैं, इसकी उप सारणिक निकालना है, उप सारणिक यानी कि माइनर कहते हैं इंग्लिश में, माइनस, माइनर का नाम से लग रहा है छोटा, उपसारणिक का मतलब जैसे जिलाधिकारी, उसके कुछ अधिकार होते हैं, उप जिलाधिकारी उससे थोड़ा छोटा, तो हम माइनर कैसे निकालते हैं, देखिए ध्यान से। जैसे कोई डिटरमिनेंट हो, डिटरमिनेंट को ऐसे लाइन सीधी खींच देते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ये डिटरमिनेंट है, ठीक है। हम किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालते हैं, हम बार बार उपसारणिक नहीं बोलेंगे, नाम को ध्यान रखिएगा, माइनर इसको बोलेंगे। अगर हम इसका निकालें, इस एलिमेंट का माइनर निकालना चाहते हैं, माइनर ऑफ टू, तो इसको इंडिकेट कैसे करते हैं, इसको एम से लिखते हैं, ये किस रो में है, ये रो होती है पंक्तियां, ये कॉलम होते हैं, ये किस रो में है, फर्स्ट रो में है, जिसको एम वन, सेकेंड कॉलम है, इसको एम वन टू लिखेंगे, ठीक है। ये क्या निकलना है, माइनर। कैसे निकालते हैं, देखिए जिस रो में है उसको हटा दीजिए और जिस कॉलम में है उसको हटा दीजिए, तो क्या बचेगा, यहां फोर सेवन बचेगा और यहां सिक्स और नाइन बचेगा। बोले कैसे, इसका ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे, जो छत्तीस माइनस छत्तीस बयालीस, तो माइनस का छह आ जाएगा, ये माइनस वन में आ गया। जैसे आपको माइनर सिक्स का निकालना हो, माइनर ऑफ सिक्स, माइनर ऑफ सिक्स यानी छह का उपसारणिक निकालिए, तो लिखेंगे कैसे, इसको एम बनाएंगे, ये किस रो में है, दूसरी रो में है, किस कॉलम में है, तीसरे कॉलम में है, क्या लिखेंगे, एम टू थ्री, कैसे लिखेंगे, जिस रो में है उसको हटा दीजिए। हटाने का मतलब ये नहीं होता है कि इरेजर उठाकर कैसे रब कर दीजिए, मतलब मन में हटा दीजिए, काटे पिटे नहीं उसमें, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, तो आएगा वन टू सेवन एट, वन टू सेवन एट, मल्टीप्लाई करेंगे, एट वन जाए एट, माइनस सेवन टू फोर्टीन, माइनस का सिक्स आएगा। तो ये तो हो गया उपसारणिक यानी कि माइनर निकालना, ठीक है। एक आता है डिटरमिनेंट का सहखंड निकालना होता है, कोफैक्टर। तो देखिए कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, दूसरी चीज निकालने को आती है कोफैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कोफैक्टर, इसको हिंदी में कहते हैं सहखंड, ठीक है, ये सहखंड है, मैं बात कोफैक्टर की करूंगा। वही डिटरमिनेंट नोट करिए, ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। अब देखिए अगर आप थ्री का सहकर्ण निकालना चाहते हैं, को फैक्टर निकालना चाहते हैं, को फैक्टर ऑफ थ्री, को फैक्टर ऑफ थ्री, इसको इंडिकेट कैसे करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा, इसका परिचय क्या होगा, तो कहीं कहीं पर सी लिखा होता है, कहीं कहीं पर ए लिखा होता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, सी
एक किस रो में है, पहली रो वन, किस कॉलम में है, तीसरा कॉलम, तो इसको क्या लिखेंगे C13। ठीक है, कैसे निकालेंगे, जिस रो में उसको हटा दीजिए, जिस कॉलम में उसको हटा दीजिए, क्या लिखा जाएगा 4758। अब आप कहेंगे ये क्या है भाई, ये तो माइनर है। जी हाँ, ये माइनर ही है, थोड़ा सा अंतर है। देखिए ध्यान से, इसमें जिस एलिमेंट का को फैक्टर निकालना होता है उसके साथ -1 रो प्लस कॉलम से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। देखिए ये किस रो में है, फर्स्ट रो में है, किस कॉलम में है, थर्ड कॉलम में है, तो -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्योंकि ये माइनस की पावर 4 और माइनस की पावर, तो सम संख्या इवन नंबर होता है तो प्लस में आता है, तो ये तो प्लस हो जाएगा और ये आपका 4578, प्लस साइन लगाइए मत ऐसे, तो ये 4 32 -7 35 दैट इज -3। तो इस प्रकार से को फैक्टर आप निकालिए, यानी अगर आप 1 का को फैक्टर निकालना चाहते हैं, मान लिया आप निकालना चाहते हैं को फैक्टर ऑफ 1, तो क्या लिखेंगे C11। अब 2 का निकाल, 2 का निकालना चाहते हैं तो C12 कैसे निकलेगा, -1 इंटू ये रो हट जाएगी, ये कॉलम हट जाएगा 4769 4769, तो चूंकि ये माइनस रहेगा, ये माइनस रहेगा, माइनस की पावर 3 हो जाएगा और ये 36 -42 माइनस का 6 प्लस का 6 है, समझ में आया, यानी अगर इसका को फैक्टर निकालेंगे तो प्लस में आएगा, माइनस में आएगा, प्लस में आएगा, माइनस में आएगा, प्लस में आएगा, तो प्लस माइनस को फैक्टर चलते हैं। ये ध्यान रखिएगा ऐसे प्लस माइनस, यानी इधर से भी अल्टरनेट प्लस माइनस है, इधर से भी अल्टरनेट प्लस माइनस है, तो ये होता है को फैक्टर। ठीक है, अब जरा देखिए ध्यान से, डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कैसे करते हैं, इसको आप इसका प्रसार कैसे करेंगे। एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ डिटरमिनेंट प्रसार, इसका आपको डिटरमिनेंट का प्रसार निकालना है, जरा समझिएगा। अब ऑर्डर 2 लेते हैं, अगर मान लिया हम कर दें 1 2 4 5, तो इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 5 5 माइनस लगा दो, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका एक्सपेंशन हो जाएगा। आपको याद होगा 11th क्लास में फिजिक्स में एक वेक्टर चैप्टर हुआ करता था, एक पढ़ा होगा आपने वेक्टर, तो उस वेक्टर में एक क्रॉस प्रोडक्ट था, सदिश गुणन ए क्रॉस बी, उसमें आप ऐसे आई जे के लिखते थे, वहां आप पढ़ चुके हैं इस चीज को, यहां पर थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा डिटेल में है, बस ये इतना अंतर है। अब अगर हम एक दूसरा ले लें, ऑर्डर 3 की एक मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ले लें, मैट्रिक्स बार बार निकलता है उसे, अच्छा डिटरमिनेंट को लिखते कैसे हैं, अगर किसी का डिटरमिनेंट लिखा हो तो हम लिखेंगे DETA, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए, या डिटरमिनेंट ऐसे लगा देते हैं मॉड टाइप का, मॉड होता नहीं, किसी संख्या अगर है उसका मापांक होता है, लेकिन कोई डिटरमिनेंट है तो उसका डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखते हैं, या इसको डेल्टा से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अलग अलग बुक में अलग अलग है, लेकिन ज्यादातर DET लिखते हैं या ये मॉड के अंदर ऐसे डिटरमिनेंट का साइन बना देते हैं। देखिए जैसे हम एक डिटरमिनेंट ले लें, उसको डेल्टा लिखे दे रहे हैं, 1 2 संख्या छोटी लेंगे हम, 1 1 2 1 2 3, और इसको एक्सपेंड करना है। देखिए पहली बात, ये आपकी मर्जी है, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, जिसके अलोंग चाहे आप उसको चूज कर लें, सेलेक्ट कर लें और उसे खोल दीजिए, आपकी मर्जी। ठीक है, फिलहाल फर्स्ट रो में लेते हैं, देखिए जहां जिस एलिमेंट को आप लेंगे, जैसे आपने कहा भाई यहां से हम तो खोलेंगे, हमारी मर्जी, हम तो नहीं मानेंगे, मत मानो भाई। देखिए प्लस माइनस प्लस, यहां प्लस से स्टार्ट होगा, प्लस माइनस प्लस, ये ध्यान रखिएगा, तो यहां से शुरू करेंगे तो देखो तरीका क्या होता है, पहले आप 1 लिखेंगे, प्लस लिख दिया, 1 जिस रो में उसको हटा दो, जिस कॉलम में उसको हटा दो, हटा दिया, बचेगा क्या 1 2 2 3, तो एक छोटी सी डिटरमिनेंट बनाओ और यहां 1 2 2 3 लिख दो, लिख दिया आपने, अब क्या लिखोगे, इधर आओगे तो 1 लिखोगे, इधर आओगे तो 2 लिखोगे, मैं इधर जा रहा हूं, तो पहले प्लस लिखा, अब क्या लिखोगे, माइनस का 2 लिख दिया, इसके बाद ये रो हट गई, ये कॉलम हट गया, क्या बचा 1 2 1 3,
फिर वन आएगा प्लस का वन, रो हट गया कलम हट गया, वन 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 टू, वन 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 टू। अब देखिए वन इन टू, अभी टू क्रॉस टू, ऑर्डर टू की डिटर्मिनेंट को नहीं बताई थी हमने, थ्री वन जा थ्री, माइनस टू टू जा फोर, माइनस टू थ्री, माइनस टू प्लस वन टू माइनस वन टू, वन इधर आएगा तो आएगा आपका वन इंटू माइनस वन, माइनस टू इंटू वन प्लस वन इंटू वन, तो दैट इज माइनस वन माइनस टू प्लस वन इज इक्वल टू माइनस टू। इस प्रकार से आप इसको खोलेंगे। अब आप कहेंगे साहब प्लस माइनस क्यों लिखा, तो फिजिक्स में हमने पढ़ा था कि भाई प्लस माइनस होता है, आप उसको याद करेंगे, यहां पर ऐसा आप नहीं बोलेंगे होता है। देखिए एक्चुअली में जब ये लिखते हैं आप जो भी एलिमेंट लिखते हैं उसका को फैक्टर लिखा जाता है, ठीक है। तो वन का जब को फैक्टर लिखते हैं तो ये पहली रो और पहला कॉलम है, तो माइनस वन टू पावर पहली रो प्लस पहला कॉलम, माइनस वन टू पावर टू, इसीलिए यहां प्लस लिखा गया, ठीक है। जब हमने टू लिखा है तो टू का मल्टीप्लाई किससे करना है, टू के को फैक्टर से, तो कैसे लिखेंगे, माइनस वन टू पावर ये पहली रो सेकेंड कॉलम, पहली रो प्लस सेकेंड कॉलम, माइनस वन टू पावर थ्री, इसलिए माइनस में यहां आया, ठीक है। ये पहली रो थर्ड कॉलम, माइनस वन टू पावर फोर, इसीलिए प्लस आया। ये उसका रीजन होता है, और टीचर्स बताते हैं कि आप ऐसा करो कि इसको माइनस मत लिखो, प्लस कर दो, मल्टीप्लाई उल्टा कर दो, ऐसा नहीं होता है। आंसर आ जाएगा, आप पहले इधर मल्टीप्लाई कर रहे हो, अब यहां उल्टा कहेंगे पहले ये मल्टीप्लाई करो और फिर ये मल्टीप्लाई करो, वो ठीक है आंसर आएगा, बट दिस इज नॉट लॉजिक, इसको क्यों ऐसा किया गया वो एक अलग लॉजिक होता है, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन होता है, तो इस प्रकार से डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट है, इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका कंसेप्ट बताएंगे आपको कि किस प्रकार से क्वेश्चन लगवाएंगे। ओके थैंक यू।